हेलो नमस्कार दोस्तों, चांद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों इसमें बैक्टीरिया से होने वाली रोग को ट्रिक के साथ अच्छे से अध्ययन करेंगे, और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम के साथ जीवाणु से होने वाले रोग निमोनिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, डिप्थीरिया, टिटनेस, क्षय रोग, टाइफाइड, प्लेग, सिफिलिस, गोनोरिया और काली खांसी। इसे याद हमें कैसे करना है वो ट्रिक आप लोग देख लीजिए। GST पंडित का टीका नया है। जी मतलब हो जाएगा गोनेरिया, एस मतलब हो जाएगा सिफिलिस और टी मतलब हो जाएगा टाइफाइड। GST हो गया गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। अब पंडित मतलब वो मतलब प्लेग हो जाएगा, डी मतलब डिप्थीरिया हो जाएगा और तो मतलब तपेदिक हो जाएगी। तो ये हो गया। अब का मतलब क्या हो जाएगा? काली खांसी। अब टीका देखिए, टी मतलब टिटनेस हो जाएगा और को मतलब कोल्ड हो जाएगा, लेप्रोसी। नौ मतलब निमोनिया हो जाएगा। यहाँ या देखना दोस्तों, या साइलेंट है, या से कोई बीमारी का नाम नहीं है, और है मतलब हैजा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये बीमारी का नाम हो गया। आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, ट्रिक को नोट कर लीजिए, कभी भी आप नहीं भूल पाइएगा। अब इस बीमारी को हम लोग नाम बाय नाम पढ़ेंगे, जान लेते जीवाणु को खोज किसने किया। तो एंटोबिन लेवन हॉक है, जो हॉलैंड की निवासी थी, इसने जीवाणु को खोज किया था। चलिए लेवन हॉक को हम लोग इमेज देख लेते हैं। आप देख लीजिए, लंबे लंबे घुंघरेले बाल जो है लेवन हॉक था। और इसका जो खोज जो दोस्तों 1683 ईस्वी में हुआ है, याद रखना, जीवाणु खोज 1683 ईस्वी में। लेकिन इसको एहरेनबर्ग ने सन 1829 ईस्वी में जीवाणु को नाम दिया था। देखिए आप इमेज में एहरेनबर्ग को। अब हम लोग बीमारी के नाम वाइज पढ़ लेते हैं और इसकी इमेज के साथ देख लेते हैं कौन सा बीमारी कैसा होता है। गोनेरिया से प्रभावित अंग जो है मूत्र मार्ग होती है, लेकिन जीवाणु का नाम है नाइसीरिया गोनेरियाई, इसकी जीवाणु का नाम है। इसका लक्षण जो है मूत्र मार्ग में सूजन हो जाती है। तो आप लोग इमेज में देख सकते हैं, लेफ्ट भाग जो है फीमेल का और राइट साइड जो है मेल का। सिफिलिस, सिफिलिस से जो प्रभावित अंग है वो शिश्न मार्ग होती है, इसके जीवाणु का नाम जो है ट्रेपनामा पेरिडम, इसके जीवाणु का नाम है। इनके लक्षण जो है शिश्न में घाव हो जाती है, आप लोग इमेज में इसे देख सकते हैं, सिफिलिस का लक्षण है ये। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइफाइड। अब टाइफाइड जो है इसका प्रभावित आंत होती है, जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी, इसके जीवाणु का नाम है। और इसका लक्षण कौन सा है? तो तेज बुखार और सिर दर्द इसका लक्षण है। आप इमेज भी देखते जाइए, बीमारी कौन कैसा है आप अच्छे से पकड़ लीजिएगा, देखते ही बीमारी का नाम बता दीजिएगा आप। प्लेग, प्लेग एक महामारी भयंकर था दोस्तों। इससे प्रभावित अंग फेफड़ा कारो दोनों पैरों के बीच होती थी। इनके जीवाणु का जो नाम था पास्टुरेला पेस्टिस, इसके जीवाणु का नाम था। इनका लक्षण बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां, इनका लक्षण था। ये जो चूहे से फैली बीमारी, एक भयंकर चूहे के काटने से प्लेग नामक बीमारी फैलती थी। और ये कारो देखिए, जो दोनों पैर के बीच जो है इसका लक्षण है। इसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। कौन सा? इसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में शुरू हुई ये बीमारी यूरोप के लगभग आधी आबादी को खत्म कर दी थी। याद रखना है दोस्तों, कोरोना से भी भयंकर महामारी थी प्लेग। भारत में लगभग 1898 से 1918 में फैली करीब 1 करोड़ प्राणों को बलि दी थी। देखिए कितना भयंकर बीमारी था दोस्तों, भारत में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति की जान चली गई थी इस बीमारी के कारण। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से जो प्रभावित अंग है, आप लोग देख रहे हैं गला पकड़े हुए है, श्वास नली जो है इससे प्रभावित अंग होती है। लेकिन इसके जीवाणु के नाम है कोरोनी बैक्टेरियम डिप्थीरिया, इसके जीवाणु के नाम है। इनका लक्षण जो है सांस लेने में कठिनाई है एवं दम घुटना, इसकी लक्षण है। तो डिप्थीरिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक, याद रखना है दोस्तों, इसे राज रोग के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रभावित अंग कौन सा है? तो फेफड़ा इसका प्रभावित अंग है। जीवाणु के नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ज्यादातर एग्जाम में जीवाणु का नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इनका लक्षण जो है बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकालना, इसका लक्षण है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं काली खांसी। काली खांसी से प्रभावित अंग जो है श्वसन तंत्र था। इनके जीवाणु के नाम हेमोफिलियस पर्टुसिस, इसके जीवाणु का नाम है। इनका लक्षण जो है लगातार खांसी आना, इनका लक्षण है काली खांसी का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टिटनेस। टिटनेस जो है इसके प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होती है। इनके जीवाणु का नाम क्लास्ट्रेडियम टेटेनी नामक, इसमें जीवाणु पाई जाती है। तेज बुखार, शरीर में ऐठन और जबड़ा बंद होना, इसका जो है लक्षण। आपको कभी चोट लग जाती होगी तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन देने लेने की सलाह दी जाती है, यानी कि आप टिटनेस का इंजेक्शन ले जाइए। चोट लगे, ब्लड निकले, तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लेना जरूरी होता है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोट, लेप्रोसी। जो लेप्रोसी जो बीमारी है दोस्तों, हमारे समाज में एक श्राप के तौर से इसे देखा जाता है, और उसकी जिस व्यक्ति भी लेप्रोसी हो जाता है तो उसे हमारे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसे टोकरे दर दर की खाने पड़ते हैं। इससे प्रभावित अंग जो होती है, तंत्रिका तंत्र और त्वचा इससे प्रभावित अंग है, लेकिन इसके जीवाणु के नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी है। और इनका लक्षण क्या है? शरीर पर चकते तंत्रिका प्रभावित है। जब मदर टेरेसा अल्बानिया से भारत पहली बार आई थी तो उसने अपनी सेवा जो है लेप्रोसी से ग्रसित व्यक्ति को ही देती थी, यानी जिस कोट से ग्रसित व्यक्ति था उसको अपना सेवा करती थी। निमोनिया, निमोनिया से ग्रसित अंग जो है फेफड़ा होती है, इसके जीवाणु के नाम है डिप्लोकोकस निमोनी नामक इसमें पाया जाता है। लक्षण तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन जो है निमोनिया का लक्षण है। विलियम ओसलर ने निमोनिया को मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया कहा। याद रखना है आपको, मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया किसने कहा? तो विलियम ओसलर ने कहा था। आप इमेज में इसे देख सकते हैं, आप एक्सरे का भी इमेज देख लीजिए कि इस तरह जो है निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति का इमेज आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हैजा, कोलरा। कोलरा भी एक भयंकर महामारी था दोस्तों। प्रभावित अंग जो है इससे आंत होती है। इनके जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु पाया जाता है, और इसका लक्षण जो लगातार दस्त और उल्टियां होती है। आपको याद रखना है कि दूषित पानी के माध्यम से हैजा फैलती है। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कोलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किया था। रॉबर्ट कोच ने 1882 में, जो एक जर्मन वैज्ञानिक था, इसने जो है हैजा, कोलरा एवं टीबी के विज्ञान जो है दोनों जीवाणु को खोज किया था, टीका को भी। दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक भी करके जाइएगा, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए बना सके। चलिए फिर आप लोग के लिए अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।